मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं। कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल्हक की मुलाकात, बड़ा फैसला हो गया। स्क्वाड में कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी, इस हवाले से मुकम्मल अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी होनी चाहिए या नहीं। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल्हक की मुलाकात हुई, जिसमें बड़े बड़े फैसले हो गए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में नसीम शाह की जगह जमान खान को शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। दूसरी जाने मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी होने जा रही है। मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी पर इससे पहले जब इंजमाम उल्हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा नहीं संभाला था, कह चुके हैं कि जब तक मोहम्मद आमिर वापसी का ऐलान नहीं करेंगे तब तक वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अब मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रही हैं, जबकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी एक से दो तब्दीलियों का इम्कान है। वो तब्दीली जमान खान को नसीम शाह की जगह शामिल किया जाएगा।